तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं। कुछ दिनों से मैं मेल ही चेक नहीं कर रहा था, तो बहुत से कमेंट्स मुझको मेल पे भी आ जाते हैं, बहुत से कमेंट्स मुझे कॉल करके भी आ जाते हैं। तो भाई मेल पे बहुत सारे कमेंट्स और यूट्यूब के भी बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं जिन पर वीडियो मैंने आज तक सोचा ही नहीं कि यार इस पर भी बनाना चाहिए, क्योंकि शेयर चैट की ज्यादातर वीडियोज में बनाता हूँ। तो अच्छा यहाँ पर मेरे को जो कमेंट करा गया है वो कमेंट किया है वैशाली ने, अंकुश ने, दीपक ने, उज्ज्वल ने, मनोज ने और अभिनव ने। इन सभी लोगों ने मेरे को कमेंट करा है और कमेंट करके पूछा है कि टिकटॉक पर जो वायरल होती हैं वीडियोस वो उसका राज क्या है। भाई ये थोड़ा सा बता दो तो सर मज़ा आ जाएगा। तो टिकटॉक पर वीडियो को वायरल कराने का एक सीधा फंडा आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो बहुत से लोग बता तो चुके होंगे लेकिन कहीं ना कहीं अपनी वीडियोज़ को लंबी कर दिया होगा, कहीं ना कहीं उस चीज़ को मेथड में अलग अलग समझाया होगा। मैं सिर्फ मुद्दे की बात करूँगा, टॉपिक की बात करूँगा। तो दोस्तों आई होप कि आज आपको वीडियो बड़ी अच्छी लगने वाली है। तो जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दो, और जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं भाई वो भी सब्सक्राइब कर ही लेना। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो यहां पर देखने वाली बात ये है कि टिकटॉक पर जो वायरल चीजें होती हैं वो एक ही चीज की वजह से होती है, वो है आपका कंटेंट। अब कंटेंट का मतलब क्या है यहां थोड़ा समय समझा देता हूं। कंटेंट का मतलब ये होता है आप जिस तरह की वीडियो बना रहे हो उस वीडियो में बाकी वीडियो से कुछ अलग है या नहीं। अगर उसमें कुछ अलग है दैट मीन्स आपका ये कंटेंट है, और उसमें कुछ अलग है तो वो आपकी यूनिक है। तो यूनिक होना चाहिए आपका कंटेंट। यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा, आप अगर आपका कंटेंट यूनिक नहीं है तो कम से कम उतना तो हो जितना एवरेज में आ जाए। यानी कि मान लो आप 100 से ज़्यादा वीडियोज़ देखते हो, 100-150 वीडियोज़ जब आप टिकटॉक पर देख लेते हो तो मोस्टली जब अपनी वीडियोज़ पर बनाने पर आते हो तो उसमें कहीं ना कहीं आप वही चीज़ें देख के वही उतारने की कोशिश करते हो या सेम वही करने की कोशिश करते हो। जैसे मान लो आपने किसी की वीडियो देख ली और 10-15 सेकेंड में उसने ऐसी अच्छी चीज़ कर दी, आपने तुरंत सोचा कि यस मुझे भी ऐसी करना पड़ेगा और मैं भी ऐसी करता हूँ, उसी की तरह मैं भी फेमस हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ आप गलती करते हो, गलती ये कि आप उसी को कॉपी करने लगते हो। लोगों ने उसको देखा है, उसको लाइक करा है, उसकी वो एक्टिविटी देखकर अब वही एक्टिविटी वो आपके अंदर देखेंगे तो वो यही कहेंगे ना कि कॉपी कर रहा है। तो ये कॉपी आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब यहाँ पर कंटेंट की बात पर जब आते हैं तो कंटेंट यूनिक तब होता है जब आप कुछ मेहनत करते हो, और जब आप मेहनत करते हो तो अपने आप ही कोई चीज़ अच्छी निकल कर आ जाती है। तो सबसे पहले आपको मेहनत करना पड़ेगा। भाई देखो कुछ टाइम के लिए आप ये मान के चलो कि एक हफ्ते में एक ही वीडियो डालो, कोई ज़रूरी नहीं, सिर्फ एक वीडियो डालो, और उस एक वीडियो में कम से कम 2-3 दिन की आपकी मेहनत होनी चाहिए। और पूरे हफ्ते की भी अगर आपके पास मेहनत है उस एक वीडियो के अंदर कोई दिक्कत नहीं, आप बनाओ। अगर आप 2 दिन में अच्छी सी वीडियो बना सकते हो तो 2 दिन में बनाओ, डालो उसको 2 दिन में। लेकिन ये नहीं कि 2 दिन में मैंने 2 दिन में एक वीडियो डाली है उसके बाद 2-4 दिन बाद डाल रहा हूँ यार उसमें क्या इमेज रहेगी मेरी टिकटॉक पर, नहीं। अगर आप 2-2 दिन में वीडियो डालते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका कंटेंट उस पर यूनिक होना चाहिए चाहे वो 4 दिन में ही क्यों ना जाए। तो यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो यहाँ पर बात यही है कि वीडियो वायरल तभी होती है जब आपका कंटेंट में कुछ यूनिटिविटी होती है, तो जब कुछ यूनिक होता है। अब वो वाली चीज़ें नहीं है जो टिकटॉक पर ऑलमोस्ट बहुत चल रही हैं, जो मैं देखता हूँ भाई कि शेयर पर जाइए, अदर पर जाइए, कैंसिल कर दीजिए, अगड़म गड़म बताना क्या क्या चीज़ें बताते हैं, उससे ऐसा कुछ होता नहीं है। जो कि मैं प्रैक्टिकली इस चीज़ को करके देख चुका हूँ, और जब प्रैक्टिकली मैं कुछ करता हूँ तो जब मुझे कुछ नहीं मिलता तो मैं उस पर कभी भी कुछ नहीं बनाता। तो यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो भाई यही सच्चाई है कि आपको अपनी वीडियोज़ में थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, और मेहनत आप तभी कर पाओगे जब आप दूसरों की वीडियो से अलग हट जाओगे। यानी कि जो दूसरा बना रहा है वो चीज़ बिल्कुल छोड़ दो, वो तो उसने बना दी, अलग खत्म करो। आपने कुछ अपने दिमाग से सोचना है, दिमाग से सोचने के बाद उस पर काम करना है, उस पर काम करने के बाद कुछ टाइम उसको देना है। ऐसा नहीं कि वीडियोज़ पर व्यूज़ नहीं आए, शाम को अपलोड करी सुबह तक व्यूज़ नहीं आए तो आप उसको डिलीट मार दो, नहीं। किसी केस में ऐसा भी होता है कि शाम को आप वीडियो डालते हो व्यूज़ सुबह तक नहीं आते, फिर दोपहर से आना स्टार्ट हो जाते हैं, या कुछ टाइम बाद आने स्टार्ट हो जाते हैं, व्यूज आएंगे लेकिन आप थोड़ा सब्र रखो और मेहनत करो और डर खत्म कर दो अपने लिए। आज के लिए बस इतना ही, बाय।